पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की बढ़ती लोकप्रियता और पंचायती राज चुनावों में भाजपा को मिली गदगद जीत के दम पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर भाजपा पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का दस्तूर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान पर नवनिर्वाचित दो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी में शामिल सभी लोगों को पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत भाजपा में शामिल किया। शामिल होने वाले पंचायत प्रतिनिधियों में ग्राम पंचायत चलो के उपप्रधान स्वर्ण सिंह और ग्राम पंचायत वगेड़ा के उपप्रधान ओम प्रकाश सड़ियाल के साथ साथ जसबीर कटोच गांव रंगड़ और कमलदेव गांव देल पंचायत चलो ने भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इस पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान होगा। इसके साथ साथ राज्य एवं केंद्र सरकार की चंद्र कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाना, लोगों को उनका फायदा मिले का प्रचार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर, महामंत्री अनिल शर्मा, पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर के साथ साथ राजेश्वर कटोच विशेष रूप से उपस्थित रहे। बताते चले कि दो दिन पहले कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक सुजानपुर के अध्यक्ष राजेश्वर कटोच ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। राजेश्वर कटोच ने भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपनी पंचायत के अन्य लोगों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को भी भाजपा में शामिल करवाया।